आज से 12 साल पहले साल 2010 में पहला मौका आया था जब नीतीश कुमार को पीएम पद का आगे दावेदार बनाने वाली चर्चा चलनी शुरू हुई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से दो साल पहले 2017 में भी दावा हुआ। कहा गया कि नीतीश चाहते थे कि कांग्रेस उन्हें पीएम पद के तौर पर खुद प्रोजेक्ट करे तो वो आगे आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 16 साल सीएम रहे नीतीश कुमार के पास ये तीसरा बड़ा मौका आया है जब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वाली रेस में आए हैं। लालू यादव अब तक दो लोगों को पीएम बनवा चुके हैं, जबकि लालू यादव मुलायम सिंह को दो बार पीएम बनने से कहा जाता है कि रोक भी चुके हैं। अब लालू यादव, उनकी पार्टी और बेटे तेजस्वी क्या नीतीश को दिल्ली में दावेदारी तक के लिए ले जा पाएंगे? सत्तर के दशक में बिहार से आने वाले जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से 18 महीने पहले बिहार से नीतीश कुमार नारा लगवाना चाहते हैं, दावेदारी तय करो, नीतीश कुमार आते हैं। पीएम का एस्पिरेशन इसीलिए हमने ऐसा किया था। नहीं नहीं, वो सब बात तो नहीं है कि हमारे मन में कोई सपना है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे पार्टी के लोगों की जो ख्वाहिश है, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सब काम किया। पार्टी की ख्वाहिश बताकर नीतीश उस पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के सामने बनना चाहते हैं, जिस पद पर 2024 में वैकेंसी खाली नहीं का बोर्ड बीजेपी लगा रही है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर। इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पद की वैकेंसी नहीं है। दूर दूर तक नरेंद्र मोदी है तो दूसरा प्रधानमंत्री कोई बने नहीं, देश की जनता स्वीकार करेगी न बिहार स्वीकार करेगा। मंगलवार से इस बात की चर्चा सियासत और सोशल मीडिया में की जा रही कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने मंडल के खिलाफ बीजेपी के कमंडल फॉर्मूले पर राम मंदिर के लिए निकली रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था, वैसे ही अब लालू की पार्टी और बेटे तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार से ही नरेंद्र मोदी की विजय रथ यात्रा 2024 में रोक देंगे। भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है, और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। जिस बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर 1990 से सीएम पद की कुर्सी सिर्फ एक साल छोड़कर अपने और अपने परिवार के भीतर रखे हैं, उनकी पीएम पद की कुर्सी को लेकर कहानी भी जानिए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये लालू यादव ही थे जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार मुलायम सिंह को पीएम पद पर पहुंचने से रोका। लालू यादव ही थे जिन्होंने देवगौड़ा को पीएम पद की कुर्सी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लालू यादव ही थे जिन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनवाने में किंग मेकर का काम किया। क्या उन्हीं लालू यादव की पार्टी के दम से नीतीश भी फिलहाल पीएम पद के दावेदार विपक्ष की तरफ से बन जाएंगे? अभी तक अपोजिशन को ये तोड़ते रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल करके, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके और तो और करोड़ों रुपया खर्चा करके ये तोड़ते रहे हैं। ये पहली दफा हुआ है कि एक उनका पुराना एलआई जो है और मजबूत एलआई जो है वहां से निकल करके बाहर आया है। तो जो लोग एक घुटन महसूस कर रहे थे देश की जो राजनीति है, उन लोगों को बहुत ही इससे राहत मिली है। लालू जी ने कहा ये सांप हैं, हमने नहीं कहा, और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये लालू जी ने कहा। इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का, और उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं।